हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना है रिवर्सल डॉक्यूमेंट। जैसे कि हम लोग का जो टॉपिक चला है रिवर्सल ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उसी में हम लोग का ये आज अगला वीडियो है। जैसे कि हम लोगों ने इसको पढ़ा था रिवर्सल ऑफ डॉक्यूमेंट, एक बार हल्का सा रिकैप कर देता हूँ। SAP डॉक्यूमेंट रिवर्सल, तो देयर आर डिफरेंट रीजन, है ना, कि हम डॉक्यूमेंट रिवर्सल करते हैं। तो ये रीजन हम लोगों ने पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अगर आपको देखना होगा तो दोबारा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने पहला वीडियो में देख रहा था क्या इंडिविजुअल SAP डॉक्यूमेंट रिवर्सल। मान लीजिए कोई एंट्री हमारी गलत हो गई है, हमने उसको रिवर्स करना है। इंडिविजुअल सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, एक एंट्री की बात कर रहे थे, तो उसको हम लोगों ने वीडियो में देख लिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज करो हमने जो रिवर्स डॉक्यूमेंट किया है ना, उसको फिर से रिवर्स करना है। यार वो एंट्री क्या थी, ठीक थी, लेकिन हमने गलत डेट में कर दी थी। 2 तारीख को नहीं करना था वो एंट्री, हमें 5 तारीख को करना था। तो 2 तारीख को हमने एंट्री की गलत की, तो हमने उसको रिवर्स कर दिया। फिर 5 तारीख को आके हम उसको फिर से रिवर्स करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये एंट्री, फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट हम लोगों ने देखा था, हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू HDFC आउटगोइंग बैंक अकाउंट किया था, जिसका डॉक्यूमेंट हमें रीजनरेट हुआ था। फिर हमने इसे रिवर्स कर दिया था। रिवर्स प्रोसेस किसके थ्रू किया था, इसका टी कोड था रिवर्स करने का FB08, उसमें हमने जा करके इस डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर दिया था। डॉक्यूमेंट को रिवर्स करते ही एक नया डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाता है और फिर ये हमारे रिपोर्ट्स को इफेक्ट कर देता है। ओके, अब ये करने के बाद अब हमें फिर ये डॉक्यूमेंट्स को फिर से रिवर्स करना है। रिवर्स जो हो चुकी है एंट्री ना, उसको फिर से रिवर्स करने है, वापस ठीक करना है। जैसे हमने एंट्री की थी रेंट अकाउंट डेबिट टू HDFC, फिर जब हमने रिवर्स किया होगा तो एंट्री हो गई होगी HDFC डेबिट टू रेंट, फिर हमें इसको वापस सही अपनी जगह डालना है, यानी वापस उसे रिवर्स करना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू HDFC वापस करना है। इसको करने के लिए देखिए है क्या, रिवर्सल ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट। फॉर रिवर्सल ऑफ अ रिवर्स डॉक्यूमेंट जस्ट गो टू डॉक्यूमेंट पोस्टिंग बाय एंटरिंग F-02। सबको पता है F-02 से GL डॉक्यूमेंट पोस्टिंग है F-02, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इस बार हम नॉर्मल एंट्री ही डालेंगे। हम लोग डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, हम लोग पोस्ट विद रेफरेंस करेंगे, कोई नहीं। आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है डॉक्यूमेंट पोस्ट विद रेफरेंस, बाकी मैंने नोट्स में यहाँ पे दे रखा है F-02। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फिर मेनू में जाना है, डॉक्यूमेंट विद रेफरेंस पोस्ट विद रेफरेंस पे क्लिक करना है, एंटर द फॉलोइंग डेटा। ओके, पहले तो हमें ये डॉक्यूमेंट नंबर देखिए 208 बाई डिफॉल्ट यहाँ आ गया, नहीं आता तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब इसके बाद हमें रिवर्स पोस्टिंग और यहाँ पे डिस्प्ले लाइन आइटम पे क्लिक करना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद देन सेव कर देना। देन हम लोग देखो इसको एंटर करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे, एक बार डिस्प्ले देख लेंगे कि डिस्प्ले ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये पहले एंट्री दिखा रहा है जो एंट्री कर रखा है हमने, ठीक है। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर वापस जनरेट एंड देन डिस्प्ले लाइन आइटम, अब यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने पे आप देखो ये एंट्री हो गई है, सब अपनी जगह आ गया है। अब इसको हम लोग डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाएंगे, ओवरव्यू नहीं आएगा क्या, दिखा देता हूँ आपको। यहीं से एंटर करेंगे, देखिए ₹500 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है और 50 नीचे डेबिट हो ही गया सब। यहाँ से डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, यहाँ से आप देख लीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक वापस ठीक हो गया। एंट्री अब क्या करना है, सीधे सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे डॉक्यूमेंट नंबर नया जनरेट हो गया, वॉज पोस्टेड टू द कंपनी 1000। अब नई एंट्री फिर से पोस्ट हो गई, रिवर्सल डॉक्यूमेंट देखिए लिखा, नाउ वी कैन सी द रिवर्सल डॉक्यूमेंट एंड रेंट इज अगेन शो डेबिट। तो रेंट फिर से डेबिट में आ गया। तो रिवर्स डॉक्यूमेंट को भी रिवर्स करना हम लोगों ने सीख लिया इसमें। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, दूसरा टॉपिक है। ओके, अगला टॉपिक जो हमारा होगा अगले वीडियो में, वो है हमारा मास रिवर्सल। ओके, अभी तक हमने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट रिवर्सल किया, फिर उस रिवर्स डॉक्यूमेंट को भी रिवर्स किया, फिर अब हमें सीखना है क्या, मास रिवर्सल। मास रिवर्सल कब करना है, कैसे करना है, जब कई सारे डॉक्यूमेंट्स की बात हो, तो ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।